गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं अब इस सेत तला पे हम आ चुके हैं और सेत तला से बहुत ही हेवी लोकेशन दिखता है, आपको दिखाएंगे। और हमारे आगे अनार है, वो सब अनार का बगवान निकालना है। आगे अनार है, देखिए सामने अनार है और ये देखिए ये मगरमच्छ, ये अनार खाते हुए आगे का अनार देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए, और ये हमारे इनको क्या बोलते हैं, हम नाम ही भूल गए हैं ब्लॉग में, विजय जॉन, जो कि गांव से अभी आ चुके हैं। और ये सिर्फ 2 महीने के लिए गांव जाते हैं, लेकिन क्या पता कैसे 6 महीना हो जाता है। लगता है थोड़ा जनवरी फरवरी ना जल्दी जल्दी आ जाता है, इसको नहीं आना चाहिए, दिसंबर 1 साल का बनाना चाहिए। भाई दिवाली बिता कर, हाँ तो चलिए अभी जाएंगे नीचे ना, तो आपको दिखाएंगे, तब तक आपको लोकेशन दिखाते हैं। चलिए तो ये देख सकते हैं हम पौधा निकालना है अनार का। और ये देखिए यहाँ से बहुत ही हेवी लोकेशन दिख रहा है। और ये सेत तला है, इसमें 2000 मछलियाँ है और इसमें मगरमच्छ भी है। चार चार पांच पांच मगरमच्छ बैठे हैं यहाँ पे मछलियों को खाने के लिए। ये रामा, ये रामा रेडी मगरमच्छ, ये रामा रेडी। तुमने कभी अनार नहीं खाया है क्या? हाँ जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं देखे हो? अभी देख लो, गौर से देख लो इसको। हाँ देखो देखो और ध्यान से देखो। खाओ 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 बस अभी खा लो। ये देखिए इसको ही अभी निकालना है, इसी में शेड नेट बनाएंगे हम। ये पूरा 2-3 एकड़ का अनार है और ये पूरा निकालने वाले हैं। और ये देख सकते हैं कितना मतलब हेवी लोकेशन है यहाँ पे कोलबाड़े में। चलिए अभी नीचे जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। तूफान भाई। देखिए सेत तला बनाया गया है, ये देख सकते हैं। किधर जाएंगे? नीचे। अभी हम जा रहे हैं नीचे और शाम का समय है, हम वहाँ पे सीनेट बनाने के लिए सोच रहे थे, गड्ढा भी खोद दिया था, सब चीज़ रेडी था, लेकिन कैंसिल हो गया। कैंसिल इसलिए हो गया, इस मगरमच्छ की वजह से हो गया। देखिए देख सकते हैं एक मगरमच्छ जैसा इंसान, इसको ध्यान से देखिए रामा रेड्डी को। अनार, अनार के दाने लाल क्यों होते हैं तुमको पता है? चलो हम नीचे बताएंगे। चलिए अभी जा रहे हैं नीचे। हमारे उतरते हुए रामारेड्डी, हमारे उतरते हुए रामारेड्डी, थोड़ा दौड़ कर दिखाओ, है दम तो दौड़ कर दिखाओ। और हम भी जा रहे हैं। अरे बाप रे बाप। चलो चलो ना 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 ये देखिए कहाँ जाए बा, ये देखिए। हाँ ब्याजी ढिमुली हमारी। ये देखिए सेव का और ये अनार बहुत ही बेहतरीन फरा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। उधर का अनार देखिए ना, जिसमें पॉलिथीन लगा चुके हैं। और ये देखिए उधर के अनार में प्लास्टिक लगाया हुआ है। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन अनार फरा हुआ है। अरे टेप घुमेटना रह गया है, टेप किधर है? उधर है। तो इसी अनार में कल ये अनार को निकालेंगे जेसीबी से, फिर हम काम करेंगे। 1 एकड़ का शेड नेट है
और बहुत ही लेकिन बेहतरीन अनार लगा हुआ है। इनका प्रोग्राम इसमें करने का नहीं था, लेकिन कुछ अड़चन आने की वजह से इसमें करना पड़ रहा है। और देखिए कल आपको दिखाएंगे जिसमें वो थैली बांधा हुआ है ना, तो कल आपको दिखाएंगे वाला। तो ये बहुत ही बेहतरीन अनार है। हमारे इधर तो होगा होता तो मतलब कोई नहीं निकालता, बोलता सीडनेट नहीं बनाएंगे, लेकिन अनार को नहीं निकालेंगे। और निकालने का वजह ये भी है कि ये अभी ये अनार का ख़राब होने पर आ गया है, पौधा सब सूख रहा है, इसके लिए निकालेंगे। और गांव से आ गए हमारी जीजा है आज गांव से, तो ब्लॉग इसलिए मैं नहीं बना रहा था कि टाइम मुझे नहीं मिल रहा है। और टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत भागना पड़ रहा था, आदमी बहुत हो गए थे। अभी वो गांव से आ गए तो मुझे टेंशन नहीं होगा, अभी डेली ब्लॉग आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनार लगा हुआ है। देखिए अभी इसी में माप रहे थे, जैसे कि आप देख रहे थे टेप मिट रहे थे हम, तो यहाँ से लेकर के और घर के पास 140 का हमने बैठाया है। से होगा कौन सा दवाई हो तो पैसा, ये पैसे का पेड़ है, महाराष्ट्र में इसको पैसे का पेड़ बोलते हैं। ये पैसा बांटा लसन जी पूजा के दिन है, पता है तुर तुर के यहाँ पे जिस दिन पूजा करते हैं ना वो पैसा बांटते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और सेवगा भी बहुत बेहतरीन आया हुआ है, तो यानी कि हम 40 मीटर मापेंगे तो ये निकल जाएगा ना, सब सेवगा भी सब शायद निकलेगा, सब निकल जाएगा। ब्याज जी हिमेश हमारा तुराओ ना, सेवगा की सब्जी बनाओ जी आज। अरे आपको एक बात बताते हैं, आज 3 दिन से कंटिन्यू बंदे चिकन खा रहे हैं, आज भी चिकन खाने के लिए रामा रेड्डी बोल रहे हैं, अधेश अंकल बोल रहे हैं, ब्याज जी बोल रहे हैं, यार 3 दिन से कंटिन्यू चिकन मटन चल रहा है। हाँ तो ये बताइए, इनका मन ही नहीं भर रहा है तो आज के लिए ना। अरे भाई 3 दिन से तुम खा रहे हो और तुम्हारा किधर किधर खुजली हो रहा है वो नहीं देख रहा है ये बंदा, किधर किधर खुजली होता है, चिकन खा रहा है चिकन खा रहा है। अरे चिकन खाने से ही खुजली होता है भाई, खुजली और बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं अभी हम आ गए रूम पे, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।